स्वागत आप सब लोगन के बिरहा मुकाबला में। कभी इनकार कभी इकरार, कभी इनकार कभी इकरार, कैसे चली जिंदगी हमार, हर तरफ लौकता अंधेरा, कब तक रहब हम कुंवर। बिरहा के मंच पर देखा, अब हम बिरह गायक बन गई बानी, अब तक कहता कि तू बाड़ू हमार। गले मिलना चाहूं, हाँ गौर फरमाइएगा, गले मिलना चाहूं तो इनका तोंद बीच में आ जाता है। हाय 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 हाय, गले मिलना चाहूं तो इनका तोंद बीच में आ जाता है, और नजरें मिलाना चाहूं तो इनकी हाइट छोटी पड़ जाती है। तुम हो गांव के बतासा चाचा और मैं हूँ शहर की छोरी, कैसे बांधूं अंग्रेजी की हिंदी से डोरी। अरे तो सुनो, जिम जाकर तोंद पचका लूंगा, और हाई हील का जूता पहन के तुमसे नजर मिला लूंगा, और तुम्हारे लिए अंग्रेजी भी सीख जाऊंगा। लेकिन गांव छोड़ दे की बात मत कहना सारी, में आत्मा ही छोड़ दूंगा तो कैसे जी पाऊंगा। अरे भैया, गांव जिंदगी हो तो बिरहा होकर गीत हो, गांव जिंदगी हो तो बिरहा होकर गीत हो, माई की गोदिया में ही तो जीत हो। बिग गंगा के दर्शक लोग के बतासा चाचा और हॉट केक अंजना सिंह के राम राम, स्वागत बार हुआ सबके भोजपुरी खाटी गीत संगीत के सबसे बड़ा काम संग्राम में, जयकर नाम है बिरहा मुकाबला। बिरहा के जंगल में आज फिर उठी हुंकार, लेकिन सबसे पहले अपन दोनों बड़का भैया के ले लेवल जाए प्यार, जे हिंदुस्तान के देवे वाला पालन बिरहा सरताज के खिताब, बिरहा सुल्तान विजय लाल यादव जी के, और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी के साथ ही जोरदार तालियां। चुनौती गृह और प्रतीक्षा गृह में बैठल हमने के 15 महारथी के भी। अच्छा तो बता सा बाबू, ये बिरहा के मंच पर जी भैया सचमुच हमने के दोनों भाई अपने में ये बतियात रहले हैं जा कि बतासा भी एकदम बिरहा के रंग में रंगा गेल बाड़न। एकदम भैया, अंजना जी तो मौसम का ऐसन चढ़ानी है कि लगता कि तो हम दोनों जना एक दूसरे के बिरहा सिखा कोशिश नहीं खाना करत, कमाल कर दिया भाई। आज चुनौती गृह में ना भैया रजनीगंधा, सतीश चंद्र यादव, विशाल दुबे मुन्ना और देवा लाल यादव बालन, चारों के चारों बिरहा के धाकड़ गायक बालन। भैया विशाल दुबे मुन्ना और देवा लाल यादव के रउआ से सुरक्षा कवच भी मिल चुकल बा। मुकाबला शुरू करे से पहले रउआ दोनों लोगन के का कहल चाहब विजय जी? बस यही उम्मीद के साथ हमनी के बैठल बनी जा, अब पूरा उत्तर प्रदेश बिहार जहाँ तक भोजपुरी बोलल जाता वहाँ तक बिरहा लोग सुनेला और बिरहा के समझेला, ये लोग से बहुत हमारा उम्मीद बा, बड़ा मजल कलाकार ये लोग बा, ये लोग से सबके उम्मीद बा कि जौन भी लोग गाई एकदम एक नंबर गाई। ओम प्रकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमनी से ज्यादा जे टेलीविजन पर देखत है चैनल के ओकरा इंतजार बा कि लोग चारों जना का करी, एकरा मिले के एगो हटी, ई त निश्चित बा एक आदमी के हटे के बा, तीनी जाना रहियन जा, त ऐसे ई लोग अपना अपना तैयारी में लागल बा, हमू देखत नहीं कि लोग का करत। तभी रहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया आज बिरहा के रोशनी बिखेरे खातिन सबसे पहले रउआ केकरा के बुला रहल बानी? आज ए मंच पर ओके बुलावल जाई जेकरा नाव में खुशबू बा। आय हाय हाय हाय, जेकरा नाव में ही खुशबू बा तब सोच ल कि उ कितना ओकरा में खुशबू होई। तो हम बूझ गयी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मोहनिया बिहार की रजनीगंधा जी के। रजनीगंधा जी आइए आइए आइए, क्या बात है,
रजनीगंधा जी, जी अब तू सुनावा और हमने तनी आवत हनी इनके कुछ समझा दी। आवा कोई बम गने बना, कोई बारूद बना, कोई राणा सिवा कोई जोधा सिकंदर, तब आजादी मिलेगी वतन मुक्त होगा, उठो रण धारा ऊपर बनकर धुरंधर, पाप से जिंदरो टैंक से जिंदरो, तब है भारत में कितना दिखा कर रहेंगे, कसम भारत माता की एकातिम जोखन जंग में जालिमों को झुका कर रहेंगे। एक बिरहा के माध्यम से हम बतावत बने कि उहे अस्तन के दूध पी के एक अंधी माँ के बेटा आखिर ये हिंदुस्तान के खातिर कैलस का भाव हमस्टर जिंदगी कहा पानी, अरे जिंदगी कहा पानी, आधी तूफान लेकर चलती है ये, आधी तूफान लेकर चलती है ये, आधी तूफान लेकर चलती है ये। कहानी यहीं से शुरुआत हो गई, बिरहा के कसौटी पर जोहरी सर में कवि जी बात लिखा थी, कैसे मास्टर? हल्दी घाटी की माटी ललकार उठाई ठिला कर, ललकार उठाई माले रंग के बिगुल बजा कर, चितौड़ से निकला नारा अब जागो इनकला भी दुश्मन से करो समझली बाबूजी। ई कहानी ओ समय के बाद जोना समय हमर देश अंग्रेजन के गुलाम रहल, लंदन के रहे वाला अंग्रेज जोने अंग्रेज के नाम बतावल गिल विलियम बोल्ड, उत्तर प्रदेश के धरती लखनऊ शहर में आइल और इतना जुर्म किया बाबूजी, ओही लखनऊ शहर के बगल में एगो छोटे गांव बा जोने बस्ती के नाम बा नवाब नगर बस्ती, वही नवाब नगर बस्ती के रहे वाला एक गरीब आदमी जोने इंसान के नाम बतावल गिल नौरंगी लाल नावू, उनकर बिटिया के नाम बा उषा, उषा बड़ा खूबसूरत बे शिवरात भूखल बे पूजा के थाली सजा के उषवा जब गांव की बहरी ले के चलल, एहर पापी अंग्रेज के जब नजर पड़ल त कैलस का हरे मन कार्य सिलावट पे लोढ़ा से, हरे मन कार्य सिलावट पे लोढ़ा से, हरे कुछ दिन जवानी समझली। पापी अंग्रेज उषा के देख के कहले बका पागल कैलस तो हरी
खूबसूरत है, एक रात के लिए आजा हमारे बंगले पर, गरीबी तेरा दूर हो जाएगा। रोने लगी, कहती है साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी में हमारा सब कुछ खत्म हो चला है। अंग्रेज बोला, अरे लड़की अगर नहीं आई तो नवाब नगर बस्ती में इतना गोली चलवाएंगे कि नवाब नगर बस्ती वाले मिट्टी में सन जाएंगे। गांव में दौड़ते भागते आती है बाबूजी और पूरा पंचायत भरल बा, वही पंचायत के कुर्सी पर वो गांव के सम्मानित आदमी दधिबल दादा चौधरी बैठ के पंचायत देथुन आ के पैर में गिर के रोने लगी और कहती है कि साहब मैं गरीब के बेटी हूँ तो क्या इसका मतलब हमारा इज्जत और सम्मान नहीं है। दधिबल दादा ललकार के कलर रे लड़की, ये गांव में क्या बिरादरी बांट देलस, तू हमार बेटी हो। ये बतिया के दधिबल दादा चौधरी कहलन तो भैलगा तरज मास्टर, लेकिन हर उषा के बात सुन के वही गांव से सात बिरादरी के नौजवान सर पे बांध के कफन जाके अंग्रेज के बंगले पर ललकार दिए और कहते हैं क्या जाएंगे, लेकिन अपने जीत ये जीत अपन बहिन बेटी के तोरे जिसन पापी के हाथ में कबो ना सौंपब। पापी अंग्रेज गुस्सा में लाल हो गया, पकड़वा लिया सातों जवानन के, बना दिया खम्मा में बाबूजी बनवा के कोड़ा से लगल मारे और सातों जवान के देही पके चाम होस्ता गिलबा, छर 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 लहू के बरसात होत बा। लेकिन भैल का यहाँ एक लाइन तरज है मास्टर, कोनो लड़की के श्रृंगार देके कोनो लड़चुआ हलई का कहले बा, का कहलस पूर्वी बयरिया हो डोले करी के हो में दफन करवा दिया और जिंदे कब्र में दफन करवा तो पापी अंग्रेज कहले बका सुन के बयनम हो कातिल मर खातिल जनम हो पापी सिकंदर जाके अपने अंधी माँ के पैर के चूमता है और कहता है कि माँ जिएंगे हिंदुस्तान के खातिर मरेंगे हिंदुस्तान के खातिर। जाके सातों जवान के जिंदे कब्र से निकाल लेता है बाबूजी और एक टोली बनाता है। ये बात के जब हिंदुस्तान के लोग सुन ले हुन तब हिलका टेरी के अंदर भाव मास्टर
सिकंदर पापी अंग्रेज जाता है और जाके नवाब नगर बस्ती से दधिबल दादा चौधरी के पकड़ लेता है बाबूजी। अब वही निभी के पेड़ में लटका के लगल मारे ये बात के जब सिकंदर के पता चलल बा आय हाय बाबूजी चल दिया सिकंदर अंग्रेज के तलाश में। एहर विलियम बोल्ड अंग्रेज सोच गया कि सिकंदर हमको पा जाएगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, निकाल के पिस्टल दधिबल दादा के गोली मर ले बा तो भैल का अल्हा के अंदर भाव मास्टर। चंपा बाई के कोठा पर अंग्रेज अपने जन्मदिन के जश्न मनावत हो, चल दिया जाके चंपा बाई के कोठा से अंग्रेज के पकड़ लेता है और घोड़े पर लाद के लेके गई हिमालय पहाड़ पर। वही हिमालय पहाड़ पर अंग्रेज के गोली मार के और एक पेड़ पर लाश लटका के चल देलस। घरवा आइल आय हाय बाबूजी बड़ा खुशी रहल, हमार अपने अंधी माई से बताई कि तोर बेटा जीत गिल, तोरे दूध के कर्जा चुका देलस, जोन खून के रिश्ता रहले माई ओके निभा देनी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी माई के लाश वही द्वार पर रखल बा, माँ के लाश लेके गिर जाता है तब तक से पापी अंग्रेज आके घेर लेते हैं, गोली के बरसात कर देते हैं बाबूजी। सीने में गोली लगल है, एक तरफ बेटा के लाश एक तरफ माई के लाश, तो भैल का ब्राह के निचोड़ में भाव मास्टर। तो हरे लाल के अब गोदिया में के बैठाई हाँ जाननी, अरे तोहर दूधवा के कर्जा के चुकाई हाँ जाननी। गौर करेंगे बाबूजी यही से बतावल गिल की बाहर है हिंदुस्तान के धरती, बाहर है हिंदुस्तान के जवान। तो गीत के आखिरी बंद में भाव है, पत्तू छह बर सुख नंदन शहीदों को किए सलाम, काशी बुलू मनोहर जी के अरे अमर रहेगा नाम, जन जन में इनकलाब आ गया कलम पे कभी जखन के हरदम उड़े सलाम रे, जन जन में बार रजनीगंधा जी क्या बात है, रजनीगंधा जी खातिर जोरदार ताली। हम अपना दोनों भैया से जानल चाहब कि उनका रजनीगंधा के बिरहा के खुशबू कैसन लागल हो। ता चला पूछल जाए अपन बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी से कि कैसन लागल हो परफॉर्मेंस। रजनीगंधा जी के जैसन नाव बा इनका बिरहा गावला में वैसने खुशबू भी आयल, टाइमिंग भी इनका ठीक रहा, आगे देख का कर तारी। बहुत बहुत हमार शुभकामना बा, बिरहा के बादशाह से तारीफ मिल गई बा जी। आप तनिक आगे बढ़ल जाओ और पूछल जाए अपना बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव जी से कि उनकरा के आपके परफॉर्मेंस कैसन लागल है। बहुत बड़ी चुनौती रजनीगंधा खड़ी कैले वाली, क्या बड़ा धाकड़ प्रस्तुति रहल है, वीर रस का गीत और परफेक्ट टाइम भी और साथ साथ क्लियरिटी भी, इसलिए इनका के शुभ आशीर्वाद बा और इनका माई बाबू के भी बहुत बहुत हमरा तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई। एलिए बा अब गांव घर से बेटी भी हमारे निकले लगल बड़ी, बहन भी निकले लगल बड़ी कि हमनी का केहू से पीछे नहीं खींच जा, अब हमनी का बिरहा भी गायब जा, अब मौका मिल जाए तब बॉर्डर पर गोलियों चलाई जा। क्या
क्या बात है। ता रजनीगंधा जी, जी। राहुल परफॉर्मेंस एकदम धाकड़ रहे, धाकड़ धाकड़ कमेंट भी मिल गई। बाप रे। अब जाए अपन सीट ग्रहण कर ली था। सम्मान के साथ बाबू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रजनीगंधा जी के लिए। बता सा। हाँ। तो हमेशा हमरा से कुछ ना कुछ मांगल करेला। कुछ ना कुछ का खाली एक चीज तो मांगा थे दूल्हा ही बन जा। चुप रहा। तोरा लिए हमरा लगे ना बहुत बड़ा खुशखबरी बा। हाय। खुशखबरी? हाँ। का? आज हम तोरा खातिर एगो। हाँ। एगो। हाँ बोली ना जल्दी से प्लीज। एगो उपहार लाइल बानी। उपहार? लेकिन दे 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 लेकिन इंतजार करा इंतजार करा इंतजार। रउआ के देम हम। हाँ। ई एपिसोड के अंत में। इहू में इंतजार करे के पड़ी। तो बिरहा के दंगल में अब ललकारे के बारी बा। भागी बलिया के सतीश चंद्र यादव जी के, इनका खातिर बाबू एक जोरदार ताली। राउर नाम में चंद्रमा वारन। ए सतीश चंद्र भैया एक बात पूछी। पूछे? मैंने राउर नाम के बीच में चंद्रमा बा जी, तो चारों तरफ से छींट दी बिरहा करो सनी। जरूर छिटाई, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है जी। आ चंद्रमा शीतलता का प्रतीक ऐसे है कि जब मनुष्य के सुख चैन मिल जाला तो शांत हो जाला, आ ओकरा अंदर सुख महसूस होला। आ जब सुख महसूस होला तो ओकरा में अत्यंत आनंद का अनुभूति होत है। बात है आनंद देता और शुरू करा। अब हमने ज्यादा देर तक आपको परेशान ना करा। ए नीना जी तनी ने आनंद भी खरे दो। अब चला अंदर चथई फटफट आवा। आ की मोहब्बत का पैगाम लेकर के दिल में चित चोर चंचल चलाय की दीवाना, अपन घट पे पानी को आई लुगाई किया दिल लगी छेड़ नगमा तराना। ए बाबू एक ठे मंचना किस्म का लड़का बा, गदा पचीसी का उम्र बा। उ लड़का बा रास्ता से जात रहे एक ठे कुआं बा, ओ कुआं पर एक ठे नौजवान लड़की अपन समीज सलवार पहन के ओढ़नी लगौले बे गगरी ले ले बे आ पानी भरे खातिर जात बे। उ लड़किया ज्यों पनिया भरलस भर के इनरा के मेलरिया पर रखलस तौले तो लड़कवा टुकुर टुकुर ताकत रहे। लड़किया सोचलस की काज ने कब शर्म की मारे कुछ कहत ना होके तो लड़किया कहलस के ए लड़के का प्यास लगल बा पानी पिए में इमनाओ में सोचा था कि भला तो बोललस कहलस की हाँ तो पनिया पियावे लागल तो अपन अजूरिया लगौलस तो अजूरिये में छेद कर दियालस। गगरी का पानी गिर गई, दूसर गगरी का पियालस उहो गिर गई। लड़किया कहलस की ए लड़के तू पानी पियत हवे कि नजाकत करत हवे। कहलस की देखबू अगर खिसियाई तू ना तो एगो बात कहती। कहलस की खिसियाई ना तू कह का कहल चाहत हो तो कहलस का कहलस बस 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 कि गोरी जान मारी घूम हो गोरी जान मार ललकी वढ़निया तो गोरी जान मार ललकी वढ़निया नथुनिया कटार मार ले कि सूरत सलोनी जिया लाल चावे बाला जो बनवाए बाला जो बनवाए बाला जो बनवा
भाला जो बनवा परची भाला चलावे कितने छैलनी के घूम हो कितने छैलनी के लिहलू जीवनिया नथनिया कटार मार रे कलश की देखा भगवान तोगा के कितना बढ़िया बनौले बान आ ऊपर है जो ललकी ओढ़नी लगौले हो ये कितना सुंदर शरीर का बनावट बा लेकिन तोरे सिनेमा पर जो ये उठान बान भाला बर्छी की तरह हमारे करेजवा में धसत बा लड़किया घड़ा के रख दियलस आ कहलस कि अच्छा तोरा के भाला बर्छी समझ में आवत बा तो हम एक छे बात कहते हैं कहलस का ऊ लड़की कि मन मुसुकात बोली अरे मन मुसुकात बोली नारे गो काहे भाई लब गनावा मन मुसुकात बोली गंगा जमुना की भाई गंगा जमुना की धार हो काहे भाई लावे गाना कहलस लड़की क्या लड़के इसी स्तन का पान करके तुम इतने बड़े हुए और इसे तुम भाले और बरसी की नोक बताते हो तू ही नहीं मैं ही नहीं सारी दुनिया की कहानी है सारे लोग इस माँ के स्तन का पान किए कोई सीमा का जवान बना हुआ है कोई जाके खेत में हल जोतता है और जोत करके अन्न उत्पन्न करके हमको तुमको आहार देता है और इस स्तन की ताकत है तुम इसे भाले और बर्छी की नोक बताते हो और लड़की अधिकार के कलश का कलश वह गीत बदल गई बनी के नादान तू नादानी कर दिया बनी के नादान तू नादानी कर दिया माता का दामन पानी पानी कर दिया बनी के नादान की टोली भेदावा बताए ऋषि मुनि की टोली जो ग्रमाई माँ के अस्तन की ताकत थी सभी लोग इसका पान किए हैं लेकिन कहती है लड़की की सुन ऐ लड़के आज एक कहानी है कहलस का बनी के नादान तू नादानी कर दिया बनी के नादान तू नादानी कर दिया माता का दमन पानी पानी कर दिया बनी के नादान तू नादानी कर दिया माता का दमन पानी पानी कर दिया बनी के नादान तू नादानी कर दिया माता का दमन पानी पानी कर दिया ए बाबू कहती है लड़की कह रे
इस माता के पवित्र दामन में तूने दाग लगा दिया। कहते हो कि भाला बरछी की तरह से धसत बा। कहलस की एक बात है सुन लो। कहलस की अरे मन से माई के ममता बिसारी दिहला हो मन से माई के ममता बिसारी दिहला अकुल कलंकी के टीका वाली लाली हला। मुनि द्रोण घर में सुंदर वर दिया आइले तीन साधु द्वारे भोजन की वखतिया आइले तीन साधु द्वारे एको दाना नहीं घर में बेहाल कैला कुल कलंकी के टीका वाली लाली घनाला। बताती है लड़की कि एक बार की बात है तीन साधु द्रोण मुनि के दरवाजे पर पहुंच गए। उस समय द्रोण मुनि घर पे थे नहीं, वो झोपड़ी में उनकी दुल्हन बैठी थी। आ कहलन के ए मुनि जी आवाज लगाए साधु जी। उनका दुल्हन बाहर बहनी कहानी कि साधु जी का बात है। कहा कि हमन का आज 5 दिन से भूखा है जा माता आ हमन के भोजन कराए देती तो आत्मा तृप्त हो जाए। इतना सुनते कहानी कि अच्छा आप लोग बैठी जाए झोपड़ी में आ हम जाते कुछ आप लोग उनके सामान ले आए जवना से हम बनाई पकाई आपके बैठा के चली गई नहीं कहा कि ली हली उधार बनिया से जरा सना बदल में काट दिहली दूनो या सतना ए बाबू गई बनिया के घरे कहली के सेठ जी हमरा के कुछ राशन दे द हमरा लगे कुछ बाना आई हम मुनि जी तो हम तुहरा के वो कर्जा के चुकता कर दे कर्जे में हमरा के कुछ राशन दे द। ए बाबू बनिया कहलस की तुहरे पास कुछ ना है। कहलस की ना कौनी द्रोण मुनि का दुल्हन के हमारे पास कुछ ना है आतिथ्य आयल हम उनका सेवा करे के बा हमरा के राशन दे द। नियत देखिए ये फिर कहल जाला बाबू नजर का फेर देखा द्रोण मुनि की दुल्हन को तो कहा कि ये दुल्हन तेरे पास कुछ नहीं तो तेरे पास 2 स्तन है ना उन्हीं को दे दो। तो बाबू जब इतनी बात कहलस तो कटार उठा के दोनों स्तन काट के एक पलड़ा पर रख दिहनी और वही के वजन के बराबर वजन कई के राशन ले आनी। आ जब ले आनी तो वो तीनों साधु बोल पड़े कि ए बाम तुम्हारे शरीर से कैसे ये लहू बह रहा है। कहने की फोड़ा हो गई महाराज का पूछते हुए फट गई। कहना कि नहीं माँ तुम बताओ सच्चाई क्या है। तो कहने की जब जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए हम आप लोगन की सेवा में बनिया से राशन मंगनी कुछ ना रहल तो कहलस कि तेरे पास स्तन है ना वही दे दो और राशन ले जाओ तो हम दोनों स्तन काट के आप लोगन की सेवा में वो करा के राशन खातिर के दे दिली हाँ और वही की बदला में राशन ले ली हाँ। वहीं पर बाबू आँख से झरझर झरझर लोर चले लागल आ कहलन क्या बाप समय आने के बाद हम लोग इसका बदला ले लेंगे। तीनों साधु नहीं थे बाबू वो तो तीनों त्रिदेवा थे। तो देखें बाबू कालन वही बनिया द्वापर युग में जब समय आया तो कुटिल बनिया बागासुर राक्षस बना और भगवान श्री कृष्ण उसका वध किए। गाना कंतिम प्रमाण कहल गए जय जय खाड़ जद्दू शिवनाथ स्वर्गवासी गंगा सागर में तवा सुभाष मृदु भाषी यादव सतीश परम प्यार पवल अकुल कलंकी कटी कवाली लाली हला।
अरे सतीश चंद जी का बात है, तब भैया बताई रउआ इनकर गायकी कैसे लागल। सतीश जी जितना गौलो है बहुत साफ साफ गौलो है आ सुंदर प्रस्तुति रही है। ये स्तन के विषय में माई के ममता पर और स्तन पर एगो चीज हमारा प्यारे लाल कवि जी लिखले रहलो, अमृत का धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करजवा जुड़ाई हो भैया एगो माई बिना। सतीश चंद जी के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब पूछा जाए अपन बादशाह बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी से कि उनका के कैसन लागल है इनकर परफॉर्मेंस। अच्छा रहला, हमरा इनका जब स्टेज पर होला मुकाबला तो ये गाना के कब को हम गाइला, बुल्लू उस्ताद गावत रहलन गाना, स्वर्गीय बुल्लू जी तो उनका में एगो हारमोनियम मास्टर बड़ा पुरान रहलन, उ गावस कि कल जुगवा में जो बना मिठाई बनल बा। तो इहे सतीश जी स्तन के बारे में बतौलन है, बहुत बहुत अच्छा शुभकामना बा और मेहनत के जरूरत बा। तो जगरा सर पर सजी ताज उहे होई बिरहा मुकाबला के सर ताज। और रवा लोग देख रहल बानी भोजपुरी अखाड़ी गीत संगीत के सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहा मुकाबला, जेकर होई तैयारी उहे अपन झंडा गाड़ी। तो कल के परफॉर्मेंस के बाद चार में से तीन महारथी अगला पड़ाव में प्रवेश करी है और कोई एक मुकाबला से बाहर हो जाइए भैया। यही के साथ वक्त हो गई बा रुआ सबसे विदा लेवे की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट का भाई अंजना जी, तू कहले रहलू हो कि हम तारा के एगो उपहार दे हमारे उपहार जानू, जल्दी से दा। पहले अपन आग बंद करो। हाँ रुका। हे भगवान कितना परीक्षा देवे के पड़ी हमके, आँखों बंद करो भैया। हाँ चाहिए ना तब परीक्षा तो देवे के पड़ी। सुना देखी है मत। अरे हम तू चिंता मत करा, बिल्कुल मत दिखिया, जवन जवन कहबू हम कुल करो। हाँ जब तक हम कही ना तब हाँ। तक दिखी है मत। अच्छा चीटिंग मत करिया, तू चिंता मत करा, तहरा खातिर हम गंधारी बन जाए। आदमी का आँख बंद करने के बाद भी ना मुँह चलता ही रहता है बटार बटार। चुप रहिए जब तक बोलेंगे नहीं तब तक खोलिएगा नहीं, जल्दी से दो। आप हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं न कहूँ देखना मत। अरे बाप रे बाप, जल्दी बोला बरदार देखो। खोली खोली हो। हाँ खोलो खोलो। अच्छा तू कहाँ से आ गए लोग, भाग गए का? आई का देले बिया आई मेरे प्यारे प्यारे आलू, मेरे प्यारे प्यारे बैगन, मैं गाजर हूँ तो मूली हो, मैं ऐसे की पैसेंजर हूं तुम मामूली कूली हो, हमारा कभी मेल नहीं हो सकता, मैं चली मैं चली मैं चली तुम्हारी चिकनी चमेली। ऐसे ऐसे बेकूफ बना के चल गई नहीं हो, लेकिन जब कोई जाए तब न दूसर आई, कब तक रहब कुआरा। निरहा भाई के भेजल कौनो न कौनो हीरोइन तो पटिए जाई। कल फिर होई मुलाकात तो मस्त रही और देखत रही हम भोजपुरिया खाटी गीत संगीत का सबसे बड़ा दंगल बिरहा मुकाबला।